है मेरा बिल्कुल बिना मेकअप वाला फेस, और कल आप देखेंगे परम सुंदरी करवा चौथ पर, देखना हम कैसे रेडी होंगे। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज आज है करवा चौथ से पहले वाला दिन, और आज मुझे करनी थी करवा चौथ के लिए तैयारियाँ, लेकिन मेरी बेटी ने करवा लिया है फीवर। कल इसको पूरा दिन बहुत तेज फीवर था। अब बच्चों वाला फीवर चल रहा है ना, जिसमें बच्चों को फेस पर कुछ दाने वगैरह हो जाते, तो उसको ये वही हुआ है, और उसको फीवर भी कल बहुत तेज था, 101-102 फीवर था। आज थोड़ा ठीक है, और ये रखी मैडम की सारी दवाइयाँ। आज थोड़ी बाबू की तबीयत ठीक है, तो आज हम अपनी करवा चौथ की थोड़ी तैयारियाँ करेंगे, तो आपके साथ शेयर करेंगे जो भी तैयारी होगी थोड़ी बहुत। ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है, जो थोड़ा बहुत करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो मुझे करवा चौथ के लिए जो साड़ी सिलेक्ट करनी है पहनने के लिए, उसके लिए मैं देख रही हूँ कि कौन सी साड़ी मुझे पहननी है, अभी निकाल के देखती हूँ। तो ये साड़ियाँ मेरे पास हैं यहाँ पर, और इनमें से ही मैं कोई साड़ी अपनी जो है कल पहनने वाली हूँ, देखती हूँ अभी। तो कल के लिए मैं साड़ियाँ देख रही हूँ मुझे कौन सी पहननी है। तो ये वाली साड़ी भी मेरी प्योर सिल्क की है, बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है ये। ये वाली साड़ी भी बहुत खूबसूरत है, बहुत पसंद है मुझे, और ये वाली तो मेरी फेवरेट है, और ये वाली भी प्योर सिल्क में है, ये मेरी मम्मी ने दी थी। और ये भी दो साड़ियाँ हैं मेरे पास, अब इनमें से देखती हूँ मैं कौन सी पहनूंगी, और बाकी कल कौन सी पहनने वाली हूँ वो तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी इनमें से आपको कौन सी अच्छी लग रही है कल के लिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है, आपको बेटर लग रहा है ना आज, आप ठीक हो? अभी मम्मा को प्यार करो, प्यार, अरे प्यार कहना नहीं है, प्यार करो। गाइस को बताओ आपको क्या हो गया बेटा? दोनों फीवर हो गया था। तो मॉर्निंग के बाद वन्नू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, तो मैंने फिर अपनी तैयारियां तो की, लेकिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे अपना सारा काम फटाफट कंप्लीट करना था और ज़्यादा टाइम वन्नू को देना था, तो इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, और बस तैयारियां जो करनी थी कर ली है। और बाकी आप कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा करवा चौथ वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।